Dear students, once again I welcome to all of you in Dr. S. Chandra online classes. Dear students, today we will study about the approaches or methods of writing instructional objectives in behavioral form. दोस्तों आज हम लोग शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे. इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच और एंड ग्रोनलुंड मेथड. दोस्तों आज हम लोग रॉबर्ट मेगर उपागम तथा ग्रोनलुंड विधि के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ वी विल सी अबाउट द एक्शन वर्ब्स. आज हम लोग कार्यपरक क्रियाएं या क्रियासूचक शब्दों के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से एक्शन वर्ब्स किस किस उद्देश्य के लिए होते हैं. तो दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट अप्रोच और मेथड्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल फॉर्म. व्हाट आर द मेथड्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल फॉर्म या शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं. दोस्तों पांच विधि होती है शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए. निम्न पांच विधियों का प्रयोग किया जाता है. पहली विधि है द फर्स्ट मेथड इज रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच, रॉबर्ट मेगर उपागम. दूसरी विधि है ग्रोनलुंड मेथड या ग्रोनलुंड विधि. तीसरी विधि है रॉबर्ट मिलर अप्रोच या रॉबर्ट मिलर उपागम. चौथी विधि है RCEM अप्रोच या RCEM उपागम. पांचवी विधि है NCERT अप्रोच या NCERT उपागम. दोस्तों आज हम लोग पहली विधि पढ़ेंगे रॉबर्ट मेगर उपागम या रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच क्या है. दोस्तों रॉबर्ट मेगर ने सन 1962 में अविक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने को विशेष महत्व दिया. मीन्स इन्होंने जो अपना मेथड दिया था, जो अपना अप्रोच दिया था, वो अविक्रमित अनुदेशन या प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखे जाते हैं उसके लिए इन्होंने अपना विधि दिया. मेगर ने ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्षों के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का प्रयास किया. रॉबर्ट मेगर जी ने कॉग्निटिव और अफेक्टिव, ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष, कॉग्निटिव एंड अफेक्टिव डोमेन के लिए बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव कैसे लिखेंगे इसके बारे में उन्होंने अपनी विधि में वर्णन किया था. मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को आधार माना और रॉबर्ट मेगर जी ने जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स लिखने की अपनी विधि बताई, जो उन्होंने तरीका अपनाया, उसमें उन्होंने ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है उसको उन्होंने आधार माना. ब्लूम्स के वर्गीकरण को उन्होंने आधार मान करके अपना विधि बताया अपना अप्रोच का विकास किया, जिसमें उन्होंने मेगर ने प्रत्येक उद्देश्य को लिखने के लिए कार्य सूचक क्रियाओं या एक्शन वर्ब्स का प्रयोग किया. देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज द स्टेप्स ऑफ रॉबर्ट्स मेगर अप्रोच, रॉबर्ट मेगर उपागम या विधि के स्टेप्स कौन कौन हैं, सोपान क्या हैं. पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप इज सबसे पहले छात्रों की विशिष्ट उपलब्धियों अर्थात अंतिम व्यवहारों या टर्मिनल बिहेवियर्स जिनको विकसित करना शिक्षण का लक्ष्य है उनका निर्धारण किया जाता है या उनको पहचाना जाता है जिससे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साक्षियां प्राप्त हो सके. तो दोस्तों रॉबर्ट मेगर्स मेथड में, अप्रोच में सबसे फर्स्ट स्टेप उसमें है कि हम छात्रों के जो टर्मिनल बिहेवियर्स होंगे, अंतिम व्यवहार होंगे, उनका निर्धारण करते हैं, उसको पहचानते हैं कि किसी भी अमुक पाठ को, लेसन को या प्रकरण को पढ़ाने के बाद छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आएगा, उनका अपेक्षित व्यवहार क्या होगा, उनका अंतिम व्यवहार या टर्मिनल बिहेवियर्स क्या होंगे, सबसे पहले हम उसको निर्धारित करते हैं या उसकी पहचान करते हैं. नाउ इन द सेकंड स्टेप, वांछित व्यवहारों या एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स की परिभाषा तथा व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए जिससे ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं कि छात्र वांछित व्यवहार कर सके. तो दोस्तों जो सेकंड स्टेप है इसमें जो भी हमारा वांछित व्यवहार या एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होगा
उसको हमें परिभाषित करना है, उसकी व्याख्या इस प्रकार से करनी है या उसको इस तरीके से लिखना है कि यह स्पष्ट हो जाए कि किस परिस्थिति में कौन सा वांछित व्यवहार या डिजायरेबल बिहेवियर या एक्सपेक्टेड बिहेवियर उत्पन्न होगा। मीन्स वो कौन सा कंडीशन होगा, कौन सा सिचुएशन होगा जिसमें वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स उत्पन्न होगा। नाउ द थर्ड स्टेप इज निष्पत्ति के वांछित मानदंड का विशिष्टीकरण या निर्धारण किया जाना चाहिए जिससे यह मालूम हो जाए कि छात्रों में कम से कम कौन सा और किस सीमा तक व्यवहार अपेक्षित है, अर्थात मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस शुड बी डिसाइडेड। मतलब दोस्तों कि हमको जो तीसरे चरण में क्या करना है कि छात्र के अंदर जो भी विशिष्ट व्यवहार या अपेक्षित व्यवहार या एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स का विकास होगा उसका जो मिनिमम सीमा या मिनिमम एक्सेप्टेड लेवल क्या होगा, मीन्स कौन सा गुण कम से कम या किस सीमा तक व्यवहार अपेक्षित है, किस सीमा तक उसका विकास होना चाहिए। जैसे हम यदि मान लीजिए कि कोई प्रक्रिया पढ़ा रहे हैं तो उस प्रक्रिया को परिभाषित कर सकेगा, या मान लीजिए कि हम लोग हुक्स ला पढ़ा रहे हैं तो छात्र हुक्स ला के नियम को समझा सकेंगे, या छात्र हुक्स ला से संबंधित दो उदाहरण दे सकेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे कि उसका जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है उसकी जो मिनिमम सीमा होती है, निम्नतम सीमा या स्तर को हम निर्धारित करते हैं। नाउ द नेक्स्ट लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन और ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के लिए जो कार्यपरक या कार्यसूचक क्रियाओं की सूची, वे कौन कौन सी एक्शन वर्ब्स हैं जिसका कि हम कॉग्निटिव डोमेन के उद्देश्य लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। जो इनके उद्देश्य हैं वो है ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव या ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित उद्देश्य हैं, जिसमें जो फर्स्ट उद्देश्य पहला ऑब्जेक्टिव है वो है नॉलेज लेवल ऑब्जेक्टिव्स या ज्ञान आधारित उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसके एक्शन वर्ब्स हैं फर्स्ट परिभाषा देना या डिफाइनिंग, सेकंड नाम देना या नेमिंग, थर्ड प्रत्यास्मरण करना या रिकॉलिंग, चौथा पहचानना या प्रत्याभिज्ञान करना रिकॉग्नाइजिंग, पांचवा सूची देना या लिस्टिंग, छठा लिखना या राइटिंग, सातवां मापन करना या मेजरिंग, आठवां रेखांकित करना और अंडरलाइनिंग, नौवां कथन देना या स्टेटिंग, दसवां पुनः उत्पादन करना और रिप्रोड्यूसिंग, और ग्यारहवां लेबल लगाना या लेबलिंग। नेक्स्ट दोस्तों जो सेकेंड लेवल है दैट इज कॉम्प्रिहेंशन लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोधात्मक स्तर, और उसके लिए एक्शन वर्ब्स हैं पहला व्याख्या करना और एक्सप्लेनिंग, दूसरा बदलना या चेंजिंग, तीसरा वर्गीकरण करना और क्लासिफाइंग, चौथा विभेद करना या डिस्टिंग्विशिंग, पांचवा उदाहरण देना या इलस्ट्रेटिंग, छठा अनुवाद करना और ट्रांसलेटिंग, सातवां रूपांतर करना या ट्रांसफॉर्मिंग, आठवां निर्णय लेना और जजिंग, नौवां प्रतिनिधित्व करना और रिप्रेजेंटिंग, दसवां संकेत करना और इंडिकेटिंग, ग्यारहवां प्रतिपादन करना और फॉर्मुलेटिंग, बारहवां सारांश देना और समराइजिंग, तेरहवां चयन करना और सेलेक्टिंग, चौदहवां अर्थापन करना और इंटरप्रेटिंग, पंद्रहवा पहचानना और आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट नाम देना या नेमिंग, एंड नेक्स्ट इज न्याय करना और जस्टिफाइंग। नाउ दोस्तों द थर्ड लेवल इज एप्लीकेशन लेवल या एप्लीकेशन या प्रयोग स्तर के उद्देश्य, जिसके एक्शन वर्ब्स हैं कार्यसूचक क्रियाएं हैं पहला प्रदर्शित करना और डिमॉन्स्ट्रेटिंग, नेक्स्ट पूर्व कथन करना और प्रेडिक्टिंग, नेक्स्ट जांच करना और असेसिंग, नेक्स्ट बदलना और चेंजिंग, नेक्स्ट गणना करना और कंप्यूटिंग, छठा निर्माण करना और बनाना दैट इज कंस्ट्रक्टिंग, नेक्स्ट चयन करना और सेलेक्टिंग, आठवां खोज करना और डिस्कवरिंग, नौवां पाना या खोजना दैट इज फाइंडिंग, दसवां उल्लेख करना या व्याख्या करना दैट इज़
एक्सप्लेनिंग, 11वां स्थापित करना और एस्टेब्लिशिंग, 12वां समाधान करना और सॉल्विंग, 13वां प्रयोग करना या उपयोग करना दैट इज यूजिंग, 14वां चुनना और चूजिंग, 15वां संचालित करना और कंडक्टिंग, 16वां निर्माण करना या बनाना दैट इज कंस्ट्रक्टिंग, 17वां गणना करना और कंप्यूटिंग, नेक्स्ट उत्पन्न करना और जनरेटिंग, नेक्स्ट संशोधित करना और मॉडिफाइंग, नेक्स्ट परिपालन करना और परफॉर्मिंग, और लास्ट वन इज उदाहरण देना और इलस्ट्रेटिंग। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज एनालिसिस लेवल और विश्लेषण स्तर के उद्देश्य, जिसके एक्शन वर्ब्स हैं, पहला विश्लेषण करना और एनालाइजिंग, सेकेंड चयन करना और सेलेक्टिंग, थर्ड विभेद करना और डिफ्रेंशिएटिंग, फोर्थ आलोचना करना और क्रिटिसिज्म और क्रिटिसाइजिंग, नेक्स्ट पुष्टि करना और जस्टिफाइंग, नेक्स्ट पहचानना और आइडेंटिफाइंग, नेक्स्ट निर्णय लेना और समाधान करना दैट इज रिजॉल्विंग, नेक्स्ट इंगित करना और पॉइंटिंग आउट, नेक्स्ट निष्कर्ष निकालना और कंक्लूडिंग आउट, अगला अलग करना और सेपरेटिंग, नेक्स्ट तुलना करना और कंपेयरिंग, नेक्स्ट विभाजन करना और डिवाइडिंग, अगला है अंतर बताना और कॉन्ट्रास्टिंग, और लास्ट है दैट इज संबंधित करना और एसोसिएटिंग। नाउ दोस्तों द फिफ्थ लेवल इज सिंथेसिस लेवल या संश्लेषण स्तर के उद्देश्य, जिसके कार्यसूचक क्रियाएं हैं, पहला चयन करना और सेलेक्टिंग, दूसरा संश्लिष्ट करना और सिंथेसाइजिंग, तीसरा निष्कर्ष देना और कंक्लूडिंग, चौथा तर्क करना और आर्गुइंग, पांचवा वाद विवाद करना और डिस्कसिंग, छठवा व्यवस्थित करना या संगठित करना दैट इज ऑर्गेनाइजिंग, सातवां सारांश देना और समराइजिंग, आठवां सिद्ध करना और प्रूविंग, नौवां सामान्यकरण करना और जनरलाइजेशन, दसवां समन्वित करना और इंटीग्रेटिंग, ग्यारहवां संबंधित करना और रिलेटिंग, बारहवां संक्षिप्त करना और प्रिसाइजिंग, तेरहवां प्राप्त करना या परिणाम निकालना दैट इज डिराइविंग, 14वां मिलाना या संयुक्त करना दैट इज कंबाइनिंग, और 15वां है पुनः कथन देना और रीस्टेटिंग दैट इज रीस्टेटमेंट। नाउ द नेक्स्ट लेवल इज इवैल्यूएशन लेवल या मूल्यांकन स्तर, जिसके कार्यसूचक क्रियाएं हैं, पहला निर्णय लेना या जजिंग, दूसरा मूल्यांकन करना या इवैल्यूएटिंग, तीसरा पहचानना या चिन्हित करना दैट इज आइडेंटिफाइंग, चौथा आलोचना करना या क्रिटिसाइजिंग, पांचवा दूर रहना या दूर करना या टालना दैट इज अवॉइडिंग, छठा बचाव करना या प्रतिवाद करना दैट इज डिफेंडिंग, सातवां संबंधित करना या एसोसिएटिंग, आठवां जांच करना और वेरीफाइंग, नौवां संबंध स्थापित करना या रिलेटिंग, दसवां चुनना या चूजिंग, ग्यारहवां तुलना करना और कंपेयरिंग, बारहवां निष्कर्ष देना और कंक्लूडिंग, तेरहवां अभिज्ञान करना और रिकॉग्नाइजिंग, चौदहवां समर्थन करना या सपोर्टिंग, पंद्रहवां चयन करना और सिलेक्टिंग, सोलहवां गलती खोजना और डिटेक्टिंग एरर। नाउ दोस्तों अब हम लोग देखेंगे द लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ब्स ऑफ अफेक्टिव डोमेन या ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों के लिए कार्यपरक या कार्यसूचक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों भावात्मक उद्देश्य के लिए भी जो उद्देश्य हैं वो हैं ब्लूम्स ऑब्जेक्टिव या ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है आग्रहण या ग्रहण करना या रिसीविंग ऑब्जेक्टिव्स, जिसके एक्शन वर्ब्स हैं फर्स्ट सुनना और लिसनिंग, सेकेंड स्वीकार करना और एक्सेप्टिंग, तीसरा प्रत्यक्षीकरण करना और परसीविंग, चौथा चाहना या पसंद करना दैट इज प्रीफरिंग, पांचवां आग्रहण और ग्रहण करना दैट इज रिसीविंग, छठवां चयन करना और सिलेक्टिंग, सातवां पूछना और आस्किंग, आठवां ध्यान देना या अटेंडिंग, नौवां पकड़ना या कैचिंग। नेक्स्ट
दसवां प्रयोग करना या एक्सपेरिमेंटिंग, ग्यारहवां पक्ष लेना और फेवरिंग, नौवां अवलोकन करना या निरीक्षण करना दैट इज ऑब्जर्विंग, तेरहवां सावधान होना और बीवेयरिंग, चौदहवां खोजना और डिस्कवरिंग, पंद्रहवां पहचानना और आइडेंटिफाइंग, सोलहवां अनुसरण करना और फॉलोइंग, सत्रहवां नाम देना और नेमिंग. नाउ द नेक्स्ट टेबल इज अनुक्रिया करना और प्रतिक्रिया दैट इज रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग, जिसके एक्शन वर्ब्स हैं फर्स्ट उत्तर देना और एंसरिंग और रिस्पॉन्डिंग, दूसरा विकसित करना या डेवलपिंग, तीसरा चयन करना या सेलेक्टिंग, चौथा कथन करना और स्टेटिंग, पांचवा सूची बनाना और लिस्टिंग, छठा लिखना और राइटिंग, सातवां पूरा करना और कंप्लीटिंग, आठवां वाद विवाद करना या डिस्कसिंग, नौवां सहायता करना या हेल्पिंग, दसवां लेबल लगाना और लेबलिंग, ग्यारहवां आज्ञा पालन करना और ओबेइंग, बारहवां अभ्यास करना और प्रैक्टिसिंग, तेरहवां सहायता करना और असिस्टिंग, चौदहवां प्राप्त करना या परिणाम निकालना दैट इज डिराइविंग, पंद्रहवां नाम देना और नेमिंग, सोलहवां उपस्थित करना और प्रेजेंटिंग, सत्रहवां आलेखन करना और रिकॉर्डिंग. नेक्स्ट लेवल इज वैल्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स और अनुमूल्यन स्तर के उद्देश्य, जिसके एक्शन वर्ब से पहला स्वीकार करना और एक्सेप्टिंग, दूसरा भाग लेना और पार्टिसिपेटिंग, तीसरा संकेत करना या इंगित करना दैट इज इंडिकेटिंग, चौथा प्रभावित करना या इन्फ्लुएंसिंग, पांचवा पहचानना या रिकॉग्नाइजिंग, छठवां वृद्धि करना या इंक्रीजिंग, सातवां निर्धारण करना या निश्चय करना या निर्णय लेना दैट इज डिसाइडिंग, आठवां पूरा करना और कंप्लीटिंग, नौवां विभेद करना या डिस्क्रिमिनेटिंग, दसवां अभिरुचि का क्रम देना दैट इज प्रिफरिंग, ग्यारहवां ध्यान देना और अटेंडिंग, बारहवां चुनाव करना और चूजिंग, तेरहवां प्रदर्शित करना और डिमॉन्स्ट्रेटिंग, चौदहवां विकास करना और डेवलपिंग. नाउ द नेक्स्ट लेवल इज दैट इज फोर्थ लेवल कंसेप्चुअलाइजेशन या विचारण या अवधारणा. इस स्तर के उद्देश्यों को लिखने के लिए दोस्तों जो एक्शन वर्ब्स हैं पहला संबंध स्थापित करना और रिलेटिंग, दूसरा विभेद करना दैट इज डिफ्रेंशिएटिंग और डिस्क्रिमिनेटिंग, तीसरा विश्लेषण करना या एनालाइजिंग, चौथा तुलना करना और कंपेयरिंग, पांचवा प्रदर्शित करना या डिमॉन्स्ट्रेटिंग, छठवां संकेत करना और इंडिकेटिंग, सातवां संबंधित करना और एसोसिएटिंग, आठवां समन्वय स्थापित करना और कोऑर्डिनेटिंग, नौवां जोड़ना या एडिंग, दसवां परिवर्तित करना या चेंजिंग, ग्यारहवां पूरा करना और कंप्लीटिंग, बारहवां विकसित करना और डेवलपिंग, तेरहवां सहसंबंध स्थापित करना या कोरिलेटिंग, चौदहवां बनाना और फॉर्मिंग, पंद्रहवां पाना या फाइंडिंग, सोलहवां सामान्यकरण करना और जनरलाइजिंग. नाउ द नेक्स्ट लेवल इज फिफ्थ व्यवस्थापन या ऑर्गेनाइजेशन, जिसके एक्शन वर्ब से पहला व्यवस्था करना या ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा सहसंबंध स्थापित करना या कोरिलेटिंग, तीसरा निर्णय करना या जजिंग, चौथा संबंध स्थापित करना या रिलेटिंग, पांचवां चयन करना या सिलेक्टिंग, छठवां निश्चित करना और डिटरमाइनिंग, सातवां रूप देना या बनाना दैट इज फॉर्मिंग, आठवां समन्वित करना या इंटीग्रेटिंग, नौवां योजना बनाना और प्रोजेक्टिंग, दसवां संश्लेषित करना और सिंथेसाइजिंग, और ग्यारहवां तैयार करना या प्रिपेयरिंग. नाउ द हाईएस्ट लेवल इज सिक्स्थ इज करेक्टराइजेशन और चरित्रीकरण. इसके एक्शन और वर्ब्स दोस्तों स्वीकार करना और एक्सेप्टिंग, दोहराना और रिवाइजिंग, बदलना या परिवर्तन करना दैट इज चेंजिंग, चौथा विकसित करना या डेवलपिंग, पांचवा प्रदर्शित करना और डिमॉन्स्ट्रेटिंग, छठवां पहचानना और आइडेंटिफाइंग, सातवां हल करना और सॉल्विंग, आठवां विभेद करना और डिस्क्रिमिनेटिंग, नौवां निर्धारण करना या निश्चय करना या निर्णय लेना दैट इज डिसाइडिंग, दसवां पुनरावृत्ति करना और रिपीटिंग, ग्यारहवां समन्वित करना और इंटीग्रेटिंग. तो दोस्तों ये थे एक्शन वर्ब्स जो कि कॉग्निटिव लेवल और अफेक्टिव लेवल में ज्ञानात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए और भावात्मक उद्देश्यों को लिखने के लिए इन क्रियासूचक शब्दों का प्रयोग मेगर्स विधि में किया जाता है. नाउ दोस्तों द लिमिटेशंस ऑफ रॉबर्ट मेगर्स अप्रोच या रॉबर्ट मेगर उपागम विधि की सीमाएं क्या क्या हैं.
पहला, ये केवल ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों को ही व्यवहारिक रूप में व्यक्त करने की विधि विकसित है। इसमें कौशलात्मक या मनोगतमात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में व्यक्त नहीं किया। दोस्तों, जो रॉबर्ट मेगस अप्रोच है, इसमें सिर्फ ज्ञानात्मक और भावात्मक और कॉग्निटिव तथा अफेक्टिव लेवल डोमेन के उद्देश्यों को लिखने के लिए ही इसका प्रयोग या इन्होंने अपनी विधि में बताया। जबकि जो साइकोमोटर डोमेन है, कौशलात्मक या मनोगत्यात्मक उद्देश्य है, उसके लिए व्यवहारिक उद्देश्यों को लिखने के लिए इन्होंने अपनी विधि में वर्णन नहीं किया है। दूसरा, इस विधि में कार्य क्रियाएं और एक्शन वर्ब्स पर ज्यादा महत्व दिया गया है, परंतु छात्रों की मानसिक प्रक्रियाओं का ध्यान नहीं रखा जाता। दोस्तों, जैसे हम लोगों ने एक्शन वर्ब्स देखा भी, तो यहाँ पे जो एक्शन वर्ब्स हैं उस पर बहुत अधिक जोर है, बहुत अधिक बल एक्शन वर्ब्स पर है, ना कि मानसिक प्रक्रियाओं पर। तीसरा, यह विधि स्टिमुलस रिस्पॉन्स या उद्दीपन अनुक्रिया पर अधिक बल देती है, परंतु जबकि अधिगम की बहुत सी प्रक्रियाओं पर यह लागू नहीं होता है। दोस्तों, यह जो विधि है या स्टिमुलस रिस्पॉन्स या उद्दीपन क्या पर अधिक बल देती है, हमने प्रारंभ में ही पढ़ा था कि इन्होंने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन या अभिक्रमित अनुदेशन के लिए अपनी विधि का विकास किया था, तो उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर बहुत अधिक बल दिया। जबकि जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है, ये सभी प्रकार की अधिगम की क्रियाओं पर लागू नहीं होती है। नेक्स्ट, ज्ञानात्मक व भावात्मक उद्देश्यों दोनों की बहुत सी कार्यक्रियाएं समान है, जिसमें भ्रम उत्पन्न होता है। दोस्तों, जो हम लोगों ने एक्शन वर्ब्स देखा, क्रियासूचक शब्द देखे, उसमें हमने देखा कि कॉग्निटिव लेवल और अफेक्टिव लेवल, ज्ञानात्मक और भावात्मक उद्देश्यों में ढेर सारे एक्शन वर्ब्स कॉमन हैं। यहाँ तक कि कई जो लेवल है ऑब्जेक्टिव्स के, उसमें भी कुछ एक्शन वर्ब्स कॉमन है, जिसकी वजह से काफ़ी भ्रम उत्पन्न हो जाता है। और लास्ट इज, यह विधि अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र में ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए इस विधि का विकास हुआ था, और वहां पर ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। नाउ दोस्तों, द सेकंड मेथड इज ग्रोनलुंड मेथड या ग्रोनलुंड विधि। इस विधि का विकास यन ई ग्रोनलुंड ने किया, और यह विधि उपर्युक्त विधि की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय, मीन्स यह विधि जो है रॉबर्ट मेगर्स की जो विधि है, उस विधि की अपेक्षा ज़्यादा ही अधिक लोकप्रिय हुई। क्या है इस विधि में? इस विधि में उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के दो सोपान हैं, दो स्टेप हैं। कौन कौन से? फर्स्ट स्टेप्स ऑफ ग्रोनलुंड मेथड इज, फर्स्ट स्टेप इज, सर्वप्रथम सामान्य उद्देश्य या शैक्षिक उद्देश्य लिखिए। मीन्स इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले हम किसी भी विषय को जब पढ़ाते हैं, उसका हम उद्देश्य लिखने लगते हैं, तो उसका सामान्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य लिखते हैं। और उसके बाद सेकंड स्टेप में सामान्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त विशिष्ट उद्देश्य लिखिए, जिनसे सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति परिलक्षित हो। मीन्स दोस्तों, पहले हम सामान्य उद्देश्य लिखेंगे और उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। जैसे अगर विज्ञान की बात है, तो विज्ञान का एक सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक आवृत्ति का विकास करना, और उसके लिए जो विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण के हिसाब से बनाएंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग हुक का नियम पढ़ा रहे हैं, तो छात्रों के लिए हो जाएगा कि छात्र हुक के नियम को समझेंगे, या छात्र हुक के नियम बता सकेंगे, या छात्र प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को परिभाषित करेंगे आदि। ये होंगे विशिष्ट उद्देश्य, और सबसे पहले उसके लिए हमको शैक्षिक उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य बनाना है, फिर विशिष्ट उद्देश्य बनाना है ग्रोनलुंड विधि के अनुसार। और जो हमको विशिष्ट उद्देश्य लिखने हैं, जो स्पेसिफिक बिहेवियर लिखने हैं, विशिष्ट व्यवहारों की सूची जो बना रहे हैं, उसके लिए हमको जो ऊपर एक्शन वर्ब्स दिए हुए हैं, संबंधित कार्य क्रियाएं की सूची दी हुई है, उसी एक्शन वर्ब्स की सूची का प्रयोग करके हमको विशिष्ट उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य लिखना होता है इस विधि में। दोस्तों, तो अंतर क्या रहा कि यहाँ पे पहले सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं, फिर क्रियासूचक शब्दों का प्रयोग करके विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है ग्रोनलुंड विधि में। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने रॉबर्ट्स मेगर से अप्रोच या रॉबर्ट मेगर की विधि तथा ग्रोनलुंड की विधि, जो विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य लिखने के लिए यूज होती है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके साथ साथ ही कॉग्निटिव लेवल तथा अफेक्टिव लेवल के लिए क्या क्या एक्शन वर्ब्स होते हैं, क्रियासूचक शब्द होते हैं, उसको भी हम लोगों ने देखा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, आल्सो प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, हमारे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइए, जिससे हमारे सभी वीडियोज आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ